हेलो नमस्ते, ये है अपना वीडियो नंबर 2। अगर आपने एक नंबर वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं तो आपको ऑर्डर दूंगा कि आप पहले एक नंबर वीडियो देखिए। इतना जल्दबाजी करने से लाइफ में कुछ नहीं होना, ठीक है? आप एक नंबर वीडियो देखिए पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड, और फिर 2 नंबर वीडियो पे आइए। इसमें मैं बात करूंगा ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। पूरा अखबार, पूरी किताबें, पूरी दुनिया की सारी जो इंटेलेक्चुअल भाषणबाजी होती है ना, वो इन 2 वर्ड्स के आसपास होती है। सारी भाषणबाजी आप देख लो। तो ग्रोथ क्या है? अंग्रेजी किताबें लिखती है द क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन एनीथिंग इज द ग्रोथ, और डेवलपमेंट लिखती है द होलिस्टिक इंक्रीज नॉट ओनली इन द क्वांटिटी बट ऑल्सो ऑफ द क्वालिटी इज नोन एज डेवलपमेंट। ऐसे लिखती है बड़े बड़े बोल बच्चन। अब देखो, मतलब ग्रोथ क्वांटिटी से रिलेटेड है। क्वांटिटी, मात्रा किसी चीज का बढ़ जाना, ग्रोथ बढ़ जाना घट जाना। और डेवलपमेंट गुणवत्ता से रिलेटेड है, क्वालिटी है ना। क्वालिटी मिलेगी सब लोग कहते हैं ना, प्योर एंड बेस्ट क्वालिटी मिल्क अवेलेबल हियर। चाय की दुकान पे देखा होगा, क्वालिटी चाय यहाँ मिलेगी, दूध रहेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो सुनो, हिंदी के अखबार आपने पढ़े होंगे, उसमें एक आता होगा कैप्सूल, ग्रोथ प्लस कैप्सूल और हाइट प्लस कैप्सूल। ये तो सुना होगा, हाइट प्लस कैप्सूल। हाइट प्लस कैप्सूल लिखा होता होगा, उसके नीचे टेस्टिमोनी लिखी रहती होगी कि मेरी हाइट बहुत कम थी, मेरी जिंदगी बहुत खराब थी, मेरा तो कोई कुछ नहीं देखता था मेरे को, फिर मैंने हाइट प्लस कैप्सूल लिया और मेरा जिंदगी सुधर गया। ऐसा आता है हाइट प्लस, दैट इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन योर हाइट। आपकी हाइट बढ़ गई, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, बस दिख रहा है लोगों को, थोड़ा लंबा हो गया, जिराफ हो गया, बस कुछ नहीं हुआ। दैट इज मीन्स यू आर ग्रोइंग। इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहा हूँ मैं, डिक्शनरी सेंस में नहीं। और डेवलपमेंट मतलब सिर्फ हाइट ही नहीं, आप वजन भी ज्यादा उठा सकते हैं, आप भाग भी ज्यादा सकते हैं, आपका चेस्ट वेस्ट भी मतलब एकदम निकला निकला सा लग रहा है, आप सलमान खान टाइप दिख रहे हैं, वो हो गया डेवलपमेंट। तो आपने पावर प्लस कैप्सूल सुना है? वो डेवलपमेंट के लिए काम करता है, पावर प्लस। ठीक है, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ इनका, इनका कभी मत लेना है, कुछ काम नहीं करते हैं ये, सब फर्जी होते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए आपको काम में आए ना। बस एक कंसेप्ट होता है इकोनॉमी में, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, स घे है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी बोल लो अच्छा रहेगा, सकल घरेलू घरेलू उत्पाद। इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा क्या है, कैसे मेजर करते हैं, इसको अपलोड करूंगा, इंतजार करो, या लिस्ट में देख लो कहीं अपलोडेड होगा। कहाँ देखोगे? यहाँ देखना, youtube.com/user/IASDOS। ये जीडीपी कुछ नहीं है, एक देश की पूरे एक साल की इनकम जीडीपी है। ठीक है, पूरे देश की एक साल की इनकम जीडीपी है, अभी के लिए, फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इधर उधर। इनकम तो इनकम है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी इनकम कुछ भी होगी, 2 लाख रुपए महीना होगी, और वो अगले साल मान लो 2,40,000 हो गई, उससे अगले साल 3 लाख हो गई, क्या फर्क पड़ गया उसके? उससे मेरा डेवलपमेंट हुआ? फिलहाल सिर्फ उसकी ग्रोथ से नहीं हुआ, डेवलपमेंट में उसको किस तरह से खर्च कर सकता हूँ, करता हूँ, मैं अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखता हूँ, मैं किस तरह का खाना पीना खाता हूँ, किस तरह के लोगों की संगति में बैठता हूँ, जुआ जुई तो नहीं खेल रहा, ये सब मैटर करती है। यानी इस जीडीपी में, मैं फिर कंसेप्ट लाता हूँ, ग्रोथ को जीडीपी से मेजर करते हैं। इसीलिए आप अखबार पढ़ोगे कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है, अरुण जेटली साहब रोज बोल बच्चन मारते हैं भाषण कि इंडिया में 9% 10% पोटेंशियल है, हम तो कहते हैं इंडिया में 15% पोटेंशियल है ग्रोथ करने का। कहाँ ग्रोथ करने का? जीडीपी। वो डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं? सब कुछ पता, हमारे यहाँ पानी का कनेक्शन भी बहुत ज्यादा लोगों के पास हो, हमारे यहाँ कम लोग बीमार पड़े, और हमारे यहाँ लोग अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले। अच्छा एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? जब अच्छा एजुकेशन होगा, सब लोगों को एजुकेशन अवेलेबल हो, उसको डेवलपमेंट माना जाता है। और ये डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं? इसके लिए एक इंडेक्स आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI भी बोलते हैं उसको। समझ में आया डिफरेंस? कैसे मेजर होती है ये जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो आपको पूछा जाए कि हमारा देश में सब लोगों का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें आप जीडीपी की तरफ इशारा करके बोलोगे या HDI की तरफ इशारा करके बोलोगे? भाई सब लोगों का भला तो डेवलपमेंट में होगा ना। अब आप दिल्ली में रह रहे हो, हाइट बढ़ती जा रही है, आपकी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन पता लगा यहाँ की पॉल्यूशन की वजह से आपका नाक नाक चल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी आंखों में पानी आ जा रहा है, पड़ोसी आपको दुश्मन की नजर से देखते हैं, तो वो कहां से डेवलपमेंट हुआ? तो डेवलपमेंट के लिए अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हो। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मैं बड़े डिटेल से, बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा, जल्दबाजी नहीं भाई, वो नीचे कबाड़ी वाला चिल्ला रहा है भाई। तो डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है ना, डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है।
ग्रो हो रही है कोई इकोनॉमी, मतलब जीडीपी ग्रो कर रही है, और आपको देखना है कि कोई कंट्री डेवलप कर रही है नहीं कर रही है, इसके लिए एक थिंकर ने, डडली सीयर्स नाम है, डडली सीयर्स के हिसाब से अगर आप 3 सवालों का जवाब दे दो अच्छे से, तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई सोसाइटी, कोई इकोनॉमी डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही है। नंबर एक, उस सोसाइटी में, उस देश में गरीबी का क्या हालचाल है, ठीक है? अगर आपने गरीबी का हालचाल पता लगा लिया कि गरीबी कहाँ है, इंडिया में आप देखोगे कि गरीबी का हालचाल अच्छा खासा है, 42% लोग गरीब है। गरीब कैसे मेजर की जाती है, बहुत अलग अलग तरीके से गरीब होते हैं। 42% गरीब तो आप देखोगे, एक कमेटी के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, आप जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ, जब यूएनडीपी रिलीज करती है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी रिलीज करती है, उसके उसके साथ में एमपीआई, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी रिलीज होती है, उसमें आप देखोगे तो 54% इंडिया में लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है। सब समझाऊंगा, टेंशन समझ लो आप। अभी गरीबी का हालचाल कैसा है, डडली सीयर्स के हिसाब से आप डेवलपमेंट देख रहे हो, तो उस देश में, उस सोसाइटी में गरीबी का हालचाल क्या है, मतलब गरीबी का क्या हो रहा है, क्या गरीबी कम हो रही है, क्या गरीबी बढ़ रही है, क्या गरीबी वही है, चारपाई लगा के बैठी ही है, मतलब जा ही नहीं रही है। तो एक नंबर सवाल रहा ये डडली सीयर्स के हिसाब से। नंबर दो सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हो रहा है, बेरोजगारी का क्या हो रहा है, मतलब कितने लोग बैंक पीओ और सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिख रहे हैं। नंबर जितना ज्यादा बढ़ रहा है उसका मतलब बेरोजगारी इस देश में उतनी ज्यादा बढ़ रही है। चलो ठीक है, बेरोजगारी का क्या हो रहा है। और तीसरा सवाल सर, इनइक्वालिटी का क्या हो रहा है। इनइक्वालिटी को हिंदी में कहते हैं असमानता, असमानता है ना, कि आपके और आपके पड़ोसी के बीच में कितना डिफरेंस है, आपको पड़ोसी किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहा है, आप किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ये 3 चीजों का आपने जवाब दे दिया, और इन तीनों में पॉजिटिव अगर जवाब रहा आपका, अगर जवाब रहे कि साहब गरीबी कम हो रही है, जो कि बड़ी मुश्किल होती है, अगर आपने कहा कि बेरोजगारी भी कम हो रही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिल रहा है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वहां, लोग काम करने लायक है, और इनइक्वालिटी मान लो कम हो रही है, अगर ये तीनों चीजें कम हो रही है, तो मतलब उस समाज, उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है। डडली सीयर्स के हिसाब से याद रखना ही है, हिंदी में लिख लो इसको डडली, ड्यूडली लिख लो, ड्यूड ड्यूड नहीं होता है अंग्रेजी, ड्यूडली, डूडली सीयर्स, कुछ भी लिख लेना, कुछ भी लिख लेना, सीयर्स, ठीक है। तो इससे क्या पता लग गया, डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ये बहुमुखी होती है, डेवलपमेंट जो होती है वो बहुमुखी होती है, बहुमुखी मतलब चारों तरफ, चौतरफा, चौतरफा ग्रोथ होती है, वही डेवलपमेंट होती है ना। एक और बात करता हूं मैं, फिर हम विराम देते हैं इस वीडियो को। 3 कोर वैल्यूज होती है आपकी डेवलपमेंट की, कोर वैल्यूज, 3 कोर वैल्यूज उमा कपिला की किताब के हिसाब से 3 कोर वैल्यू होती है। नंबर एक सस्टिनेंस, 3 S मान लो इनको, 3 S, सस्टिनेंस। नंबर दो इज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, साइकोलॉजी आ गई यहाँ पे। और नंबर थ्री इज सर्विट्यूड फ्री, सर्विट्यूड फ्री, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा इनके बारे में। सस्टिनेंस, सस्टिनेंस मतलब रोटी कपड़ा मकान, टाइम टाइम पे मिल जाए रोटी कपड़ा मकान, ऐसा नहीं कि आपको यही टेंशन सता रही है कि कल सुबह की रोटी का क्या होगा भाई, कल सुबह क्या नाश्ता करेंगे, बर्तन तो है लेकिन आटा नहीं, ऐसी सिचुएशन आ गई तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा। तो सस्टेनेंस आज ही नहीं, कल, परसों और उससे आगे आगे दिन, ऐसी आपको टेंशन नहीं हो। सस्टेनेंस, सेल्फ एस्टीम क्या होती है, सेल्फ एस्टीम होती है सेंस ऑफ वर्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट, कि भाई मैं भी कुछ हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा कुछ नहीं होना जाना, मैं तो एकदम नालायक, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, आप में सेल्फ एस्टीम हो, आपकी सेल्फ वर्थ हो, आपको ये रियलाइज हो, आपको मतलब लोगों को, एक इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं वहां, लोगों को ये रियलाइज हो कि उनकी कुछ वर्थ है, वो सिर्फ पशु समान जीवन नहीं जी रहे हैं, वो एक अपने आप में उनकी वर्थ है, उनकी वैल्यू है, ठीक है। और नंबर थ्री इज सर्विट्यूड फ्री, कि आपको कोई चीज करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सके, ऐसा नहीं कि किसी को किसी चीज की कमी की वजह से या सिर्फ फोर्स की वजह से, अब्यूज, पावर की अब्यूज की वजह से आपको ये फोर्स कर दिया जाए कि आपको यही काम करना पड़ेगा, मजबूरी, इकोनॉमिक मजबूरी की वजह से अगर कुछ लोगों को सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है, आप देखोगे इंडिया में
कि जो मेला ढोने वाले स्कैवेंजर्स अंग्रेजी में बोलते हैं उनको, मेला ढोने वाले, उनका नंबर आप जब देखोगे, इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट आप देखोगे, अभी पढ़ रहे होंगे तो देखा होगा आपने, वो इकोनॉमिक मजबूरी और सोशल मजबूरी की वजह से वो काम उनको करना पड़ रहा है, यानी वो सर्विट्यूड फ्री नहीं है। सिर्फ वही नहीं, आप इंडिया में वुमेन को देख लोगे तो आप देखोगे कि 10 में से 8 औरत अगर अस्पताल भी जाना रहता है तो जो हस्बैंड या घर के अंदर कोई मेल पार्टनर, उससे परमिशन लेके जानी पड़ती है, साथ में किसी को लेके जाना पड़ता है क्योंकि कहीं उनको लगता है भाग ना जाए। मतलब ये भी अपने आप में एक सर्विट्यूड की एक निशानी है। मतलब प्रोटेक्शन वाला आप लॉजिक मत देना यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है, इफ वुमन वॉन्ट, अगर औरत काम करना चाह रही है, ऑफिस में जाना चाह रही है, तो उसको वो फ्रीडम है कि नहीं है? अगर वो फ्रीडम नहीं है तो मतलब डेवलप नहीं कर रहे हैं, बात ही है। हम सिर्फ पुराने जमाने में जी रहे हैं, अभी मिडिवल इतिहास का हिस्सा बने हुए, मेरा कहना ही है। ओके देन, बाय बाय। कुछ तो समझ में आया होगा, सब्सक्राइब कर देना यहाँ पे youtube.com/user-IAS-TOS। मस्त मस्त वीडियो अपनी तरफ से आएंगे आपके आपके पास, और उतने भी मस्त नहीं, मतलब ठीक ठाक वीडियोज आपको मिलेंगे, और देखते रहिए, सीखते रहिए, टेंशन मत लीजिए। बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम, और लाइक कर दीजिएगा फेसबुक पे, facebook.com/facebook। वैसे ही तो बैठे रहते हो दिन भर, एक लाइक करके एक शेयर करने में क्या जाता है। facebook.com/IAS.TOSS, facebook.com/IAS.TOSS, लाइक बटन आएगा, लाइक बटन मारना, यहाँ से शेयर कर देना, आपके दोस्तों के पास आएंगे, आपके दोस्त एक दो लाइक करेंगे, दूसरा बोलेगा क्या शेयर करता रहता है। ओके, बाय बाय।